एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायरेक्ट राहुल। मैं हूं राहुल चौधरी और ये यूट्यूब चैनल मैंने क्यों बनाया है और इस पर क्या होने वाला है, इसके लिए मैंने कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस खुद से पूछे हैं, खुद ही क्वेश्चंस बना के खुद ही से पूछे हैं। तो मैं पहले वो आंसर कर देता हूँ तो इससे थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी, नहीं तो ऐसे फालतू में तुम लोग मुझे क्यों देखने आओगे। वैसे मेरे को पता है अभी तो मेरे दोस्त ही देख रहे हैं जिनको मैंने शेयर किया। सो क्वेश्चन नंबर 1, हु एम आई? मेरा नाम है राहुल एंड आई एम फ्रॉम जम्मू। जम्मू में एक्चुअली एक और मतलब डिस्ट्रिक्ट से कठुआ, जिसको आई डोंट नो ज़्यादा लोग जानते होंगे, जानते हैं तो इट्स ओके, बढ़िया बात है। तो मैं इस वक्त आई एम इन बॉम्बे मुंबई और यहाँ पे मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए आया हूँ, मतलब आई थिंक वैसे तो पूरे टाइम के लिए आया हूँ बट यहाँ पे मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, इस वक्त मैं यहाँ पे आई एम अ स्टूडेंट फिल्म मेकर या फिल्म स्टूडेंट या One eternity later. फिल्म मेकिंग स्टूडेंट कुछ ये ऐसा मैं कुछ कर रहा हूँ। तो ये 3 साल का कोर्स है विस्ली मूड्स इंटरनेशनल में। सो बस यही है ये सब। तो सेकेंड क्वेश्चन कि मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया क्यों? तो एक्चुअली मुझे ये सब बहुत टाइम से करना था। तो मैंने पहले क्लास 9th या 10th में 2 वीडियोज़ बनाए थे, उस पर काफ़ी व्यूज़ आए थे लेकिन वो था बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्टेंट। उसमें मैंने 2 एक्टर्स को लेके और पॉलिटिकली कुछ बहुत ही गलत बोल दिया था, क्योंकि मैं तो बच्चा था उस टाइम पे, मुझे लगा कि यार ठीक है बढ़िया बढ़िया, पर मैंने बोल दिया। बाद में अपने दोस्तों को दिखाया वीडियोस तो तब पता चला कि एक चीज़ भी होती है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रोवर्सी। और मैं कहाँ से 2 वीडियोस मुश्किल से डाले थे, तो वो मैं डर गया, काफ़ी डर गया, बच्चा था उस टाइम पर, तो मैंने वो हटा दिया। फिर तब से लेके अब तक मैंने कोई वीडियोज़ नहीं डाली। और मैंने सोचा कि अब क्योंकि मैं अकेला हूँ इस घर में, मेरे पास भी कुछ ज़्यादा है नहीं करने को, क्यों ना मैं सबसे बातें शेयर करके और बात करके थोड़ा मैं भी अकेला नहीं फील करूँगा। तो मैंने ये क्वारंटीन में रह के एक चीज़ ज़रूर सीख ली है कि इससे पहले तक मुझे कोई ज़्यादा खुद से डर नहीं था, खुद से डर। तो मैंने ये देखा है कि हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, मेरे मतलब रूममेट्स के साथ, जिससे मैं मिलता हूँ उसके साथ, फ़ोन पे जिससे बात कर रहा हूँ मैं उसके साथ झूठ बोल सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे एक बार खुद को मिरर में देख लेता हूँ तो फिर खुद से झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी ऑलमोस्ट 40-50 डेज हो गए हैं कि मैंने खुद के अलावा किसी से ज़्यादा बात नहीं की है। तो जब बंदा खुद से बात करता है ना तो उसको अपने इश्यूज़, अपनी लाइफ के इश्यूज़, उसके आगे के प्लान्स, वो कितना सच्चा है कितना झूठा है, और मतलब कुछ लोग होते हैं ना हवा में रहने वाले, क्या वो उनमें से एक है, वो सब पता चल जाता है। तो मेरे को भी काफ़ी रियलाइजेशंस हुई हैं अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में। तो मैं मतलब उसको यूज़ करके अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, हेल्प छोड़ो, मैं किसी के साथ डिस्कस कर सकता हूँ तो मुझे खुद को अच्छा लगेगा। तो मैं यही सब अपनी वीडियोस में लाने वाला हूँ। और उससे उसके अलावा मैं अपनी वीडियोस में लाने वाला हूँ, देखो अभी सब्जी काटने वाला था तभी खाना बनाने वाला हूँ, बाकी झाड़ू पोछा वो सब, फिर ग्रोसरीज लाना, नीचे जाना, मतलब मैं यहाँ 18th फ्लोर पर रहता हूँ तो नीचे जाना, फिर बाहर मेरे आसपास जो चल रहा है, तो लगभग यही सब होगा। तो आई थिंक अभी के लिए मेरे बारे में इतना जानना बहुत काफ़ी है। अगर आपको मेरे बारे में और जानना है, इतनी अगर चुल मची है, तो इंस्टाग्राम पे जाके मैं नीचे अपना वो डाल दूंगा इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ जाके आप मेरे को देख सकते हो। फॉलो करना करो, नहीं करना ना करो, कोई इशू नहीं है, बट मेरे बारे में सब जान जाओगे वहाँ से, तो कर लेना अगर मन किया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने जितना हो सका अपने बारे में बताया इस वीडियो में और अपने चैनल के बारे में बताया था कि मतलब क्या क्या आने वाला है इसमें, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसमें मैं एक फुल फ्लेज व्लॉग तो नहीं डाल सकता था क्योंकि बहुत ही ऐसा आउट ऑफ द ब्लू फील होता वो, ऐसा मुझे लगता है। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा एंड अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो फिर मतलब कर दो लाइक वाइक। थैंक यू।